अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। दिनांक 16 अक्टूबर श्री नारायण दिव्यांग सेवा समिति उत्तर प्रदेश हाथरस में समिति द्वारा एक कैंप लगाया जा चुका है, जिसमें 16 दिव्यांगों का निरीक्षण किया गया, जिसमें 8 दिव्यांग बच्चों की कैलिपर का नाप लिया गया, 4 दिव्यांगों के कैलिपर का नाप लिया गया, 4 दिव्यांगों के पैर और हाथों का नाप लिया गया। डॉक्टर नरेश यादव जी ने इन सभी दिव्यांगों को देखा। समिति के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार प्रजापति ने कहा, इस तरह का कैंप हम उत्तर प्रदेश के हर जिले में लगवा समिति द्वारा लगाया जाएगा। समिति के संरक्षक इंजीनियर एसएससी अग्रवाल, प्रदेश महासचिव श्री लाल शर्मा, प्रदेश सचिव दिनेश चंद्र राठौर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ललिता पालीवाल, हाथरस के जिला अध्यक्ष रेणु पचौरी जी, महामंत्री गौरव अटल, जिला कोषाध्यक्ष दीनानाथ, फिरोजाबाद के जिलाध्यक्ष रविकांत सुनील एवं सभी दिव्यांगजन उपस्थित रहे। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। मेरा नाम दिलीप कुमार प्रजापति है, मैं श्री नारायण दिव्यांग सेवा समिति का प्रदेश अध्यक्ष जी, जिसे हमारी दिव्यांग सेवा समिति आज हाथरस में जिला हाथरस में कैंप लगवाया है जी, जिसे दिव्यांग जैसे पैर मुड़े हुए हैं, टेढ़े हुए हैं जी, और जिनके लिए कैलिपर के नाप दिलवाए गए हैं, जिन व्यक्तियों के टांग कटी हुए हैं जिसके कारण कट जाती हैं, हाथ कट जाते हैं, उनके लिए फुट और हाथ की व्यवस्था कराई गई जी, जिसे हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर नरेश यादव जी ने महाराज जी कार्य किया, और जिला का जिलाध्यक्ष जो आतस की जिला कार्यकारिणी है हमारे जिलाध्यक्ष रेणु जी जी और उनकी टीम को जी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इतना आज प्रोग्राम किया, वो बधाई के पात्र हैं सारी टीम जी, तो उनको धन्यवाद बार बार देता हूँ कि वो अच्छा कार्य कर रही हैं। और मैं जो चाहता हूँ पूरे प्रदेश में जिलों में हर जिले में हमारा संस्था कार्य करेगी, कैंप लगाएगी जी, हर जिले में दिव्यांग हित का कार्य करेगी जी। मैं इंजीनियर एस सी अग्रवाल, नारायण दिव्यांग सेवा समिति फिरोजाबाद का मुख्य संरक्षण का पद ग्रहण किया हुआ है मैंने। आज हाथरस में इसकी शाखा द्वारा दिव्यांग लोगों की मदद के लिए एक कैंप लगाया गया है। इसमें जिन दिव्यांग भाइयों के हाथ पैर टेढ़े हैं, कटे हुए हैं, सारे मरीजों का परीक्षण अभी तक पूरी तरह से संतोषपूर्वक किया गया, उनके लिए अंग कैलिपर या दवा वगैरह की व्यवस्था की जाएगी। ये कैंप दोबारा जब अंग बनाए जाएंगे, नाप ले लिए कैलिपर वगैरह के हमारे रक्षा में, इसके बाद में ये अंग बांटेंगे तब इनको सूचित करेंगे। ये संस्था प्रदेश लेवल की संस्था है जिसकी हाथरस शाखा ने ये कार्यक्रम किया है। सर्वप्रथम में तो हाथरस की अध्यक्षा महोदय उनकी सारी टीम की शुक्रगुजार है कि उन्होंने इतना नेक काम में अपना सहयोग किया, और विशेष तौर से हम लोग तो फिर भी जेंट्स हैं, हमारे पास समय भी है, लेकिन महिला वर्ग ने संतोष महिला वर्ग ने हमको ये कार्य किया है। और महिलाएं तो दो जिम्मेवारी होती हैं, एक घर की और एक दूसरी ये सामाजिक, ये तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि महिलाएं इसमें कार्य कर रही हैं, और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह ये रेणु पचौरी, मैं श्री नारायण दिव्यांग सेवा समिति के जिला अध्यक्ष हूँ हाथरस के। तो आज ये हाथरस में कैंप लगा है जिसमें कि हमने जो भी विकलांग लोग थे उनके पैरों का निरीक्षण किया, और उसमें 20 मरीज आए करीब जिनका जिनको के देखा गया, उसमें से 8 मरीज ऐसे हैं जो कि डॉक्टर साहब ने सेलेक्ट किए हैं जी, और उनके लिए जो भी मतलब यंत्र या जो भी अंग हैं उनको प्रदान किए जाएंगे जब भी हम अगली बार कैंप लगाएंगे तब। ठीक, धन्यवाद।